हाय दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही उम्दा और बेहतरीन ऐप। जैसा कि आपने देखा, जिसका नाम है रिमूव अनवांटेड कंटेंट ऑफ फोटो। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर बड़े आसानी से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर रिमूव अनवांटेड कंटेंट ऑफ फोटो इस तरह से लिखेंगे और इसे आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐप है, लेकिन हमें यही आइकॉन वाला ऐप डाउनलोड करना है। तो देखिए, ये ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है। तब हम इसको इस्तेमाल करने के बारे में इसकी मालूमात हासिल करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हमारी गैलरी में से एक फोटो को चुनेंगे जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी गैलरी में से हम एक फोटो को लेते हैं। चलिए इसी फोटो को चुन लेते हैं और इसको रिमूव करके देखते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में से देखे, तो इस ब्रश का इस्तेमाल करके हम इस फोटो को पूरी तरह से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह इसे सिलेक्ट करके रेड कलर से पूरा भर देना है। इसके बाद में नीचे दिया गया गो का बटन, उसको प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, प्रेस करते ही एक सेकंड में सिलेक्ट किया गया फोटो हमारे सामने से रिमूव हो जाता है। इसी तरह हम दूसरा सैंपल, दूसरा फोटो चुनेंगे और इसे भी इसी तरह प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये फोटो ले लेते हैं। इसे जूम कर लीजिए और ब्रश के बटन को दबाने के बाद में इसे धीरे धीरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। धीरे धीरे इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एक रेड कलर की लाइनिंग नजर आएगी। इसको पूरी तरह से जिस फोटो को रिमूव करवाना है उसे हम पूरी तरह से आराम से सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देते रहें, ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्त, इसे हमने पूरी तरह से सिलेक्ट कर लिया है। अब हम हमारे सामने गो वाले बटन को प्रेस करेंगे। इस बटन को प्रेस करना है और आप देखेंगे एक सेकंड में ये फोटो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से अनरीचेबल फोटो जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर आते हैं, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं और इसकी जगह कोई दूसरा फोटो सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव देते रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक, शुक्रिया।